तब आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं सुनीता प्रजापति फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो यहां पर किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, हलवाई जैसी रेसिपी कम समय कम सामान में देखने के लिए घरेलू नुस्खे और टेरेस गार्डन मेरा एकदम बढ़िया बढ़िया वीडियो मिले आपको। सबसे पहले पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट, ताकि आपको वीडियो मिले फ्री में। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो मेरे हाथ में ले रखा है ना मैंने धनिया, तो देखो ये 2 फुट की पिन्नी से मैंने पड़ी थी, पिन्नी वेस्ट जा रही थी, मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास स्टेपनर भी है और पिन भी है, 10 से 20 और 25-30 पिन में यहाँ पर मैंने ये बना लिया था 2 फुट के टुकड़े से पिन्नी के से पूरी क्यारी का गमला। अब इस गमले में मैंने पहले मेथी हार्वेस्टिंग कर ली थी, मैंने मेथी उगाई और उसके बाद लहसुन उगाया, 1.5 किलो मेरा लहसुन भी निकल गया है। और उसके बाद में अब मैं इस क्यारी में लगाने वाली हूँ धनिया, जो कि गर्मी के लिए मैं सोच रही हूँ कि गर्मी में क्या है धनिया बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि इसमें अब धनिया लगा दूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1.5 इंच की मिट्टी ली है, धनिया के लिए ज़्यादा मिट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो इसलिए मैंने 1.5 इंच की मिट्टी ली है। अब धनिए को मैं इसे ये अपने जो तीन चप्पल या फिर कोई सिलवट्टा का वाट होता है उसी से थोड़ा सा क्रश कर लिया, और मैंने तो चप्पल से ही क्रश कर लिया, अच्छे से हो गया। अब इस तरह से मैं देखिए लाइन से भी लगा दूँगी और मैंने ऐसे भी बखेर दिया है, और पकड़ने के बाद इसके ऊपर मैं एक लेयर डाल दूँगी मिट्टी की जो कि मैंने डाल दी है, और कोने से कोने तक मैंने धनिया बोया है तो मिट्टी भी कोने से कोने तक लगाई है। अब उसके ऊपर पानी भी मैंने छिड़क दिया है धनिया के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं थोड़ा सा मेरे पास में रखा था फैंट करीब करीब 100 ग्राम के करीब, मैंने सोचा कि ये सब वेस्ट जा रहा है तो इनसे मैं अपने गमलों को रंग देती हूँ। तो मेरे गमले रखे थे यहाँ पे ऐसे ही सोने सोने से और उजड़े उजड़े से लग रहे थे, यहाँ पर मैंने पेंट कर दिया है 5 से 6 गमलों पे ज़्यादा पे ही। और यहाँ पर मैं देख लेती हूँ 2 पेड़ है मेरे आलू के, तो यहाँ से आलू निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी उगे थे पेड़ आलू के और अभी मैं इन्हें उखाड़ रही हूँ। तो देखिए 3 से 4 आलू निकल गए हैं खूब अच्छे से, और इस पेड़ को मैं लगा देती हूँ दूसरी जगह। आप देख सकते हैं कि इसमें करीब करीब बारीक बारीक 100 आलू निकल रहे हैं, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा कुछ दिन बाद, 10-15 दिन के बाद। यहाँ पे मैंने लगा के इस पेड़ को डाल दिए, पानी डाल दूँगी पहले तो इसकी सारी ब्रांचेस निकाल दूँगी मैं। मैंने अपने नखून की मदद से काट दिए हैं ब्रांचेस, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे 5-4 हुए, इन्हें लेकर मैं चलती हूँ घर नीचे। लेकिन पहले उससे आपको दिखा देती हूँ कि गार्डन में कितने अच्छे टमाटर और उग रहे हैं, और अब ये एक साथ पकने वाले हैं सभी, तो मुझे क्या करना होगा इनका। यहाँ पर भिंडी है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये हैं मेरे गमले जिन पे मैंने पेंट किया था।